Okay, all right. So I think it must be showing now. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohammad Uwaisata Siddiqui. Mera naam, mera taluk ek maliyati idare se hai, jahan pe main credit ratings ke farayz san anjam deta hoon. Aaj ka hamara session economy ke hawale se hai, Pakistani maishat ke hawale se hai. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ आपसे अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं. तो बेसिकली देखा ये गया है कि हमारी जो मईशत है वो हमारे आम इंसान या एक जैसे हम लेमैन कहते हैं उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मईशत के बेसिक जो रूल्स हैं, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं पता होते. तो इसी सिलसिले में ये तीन सीरीज की एक सेशन तश्कील दी गई है, जिसका पहला सेशन आज है और अगले जुम्मे और उससे अगले जुम्मे दो सेशन मजीद मैं कंडक्ट इंशाल्लाह कर रहा हूँगा. तो इस सेशंस में हम बहुत ही बेसिक जाके उन टर्मिनोलॉजीज को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीजें हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट आपने सुना होगा कि जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सरप्लस में, डेफिसिट में, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, कम हो गई है, डेफिसिट बढ़ गया है, कम हो गया है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, कम हो गया है, जी एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो बहुत ऊपर जा रही हैं या हमारी इम्पोर्ट्स में मसले आ रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज आपने सुनी होंगी और बहुत हद तक उसे रिलेट भी कर पाते होंगे, बहुत हद तक उसे समझ भी पाते होंगे. लेकिन इस सेशन का मकसद ये है कि फॉर्मली उस चीज को थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा सा डीप में जाया जाए और ये देखा जाए कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है और पाकिस्तान में ये टर्मिनोलॉजी कहाँ खड़ी है. तो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जीडीपी बेसिकली बनती किस चीज से है, सही है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है. तो ये सारी चीजों का तस्करा जो है वो हम इस प्रेजेंटेशन में करेंगे. आज का मेरा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसी है. मैक्रो इकोनॉमी बेसिकली उस चीज को बताती है कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है वो किस चीज से बनती है. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में या मईशत में दो मेजर कैटेगरीज हैं जो फॉर्म हो रही होती हैं, एक होती है मैक्रो और दूसरी होती है माइक्रो. तो मैक्रो जो है वो हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करते हैं, एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस कैसे चलते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलती है, और छोटे लेवल पे हम या इंडिविजुअल लेवल पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है या वो उस चीज को देख रही होती है कि आपकी जो है वो मईशत किस तरीके से एट अ मैक्रो लेवल, एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल चल रही होती है. और दूसरा पार्ट इसी सीरीज का जो आज हम सेशन में करेंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि बेसिकली पैसा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, उस पैसे को एक्चुअली कंट्रोल किस तरह किया जाता है, उस कंट्रोल से इफराते जर या इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल की जाती है, उसका इंटरेस्ट रेट पे क्या रिलेशनशिप है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत में अपना बहुत ही अहम, बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है. अच्छा, हम एंड में कुछ क्वेश्चंस लेंगे. एक घंटे का टोटल सेशन है, मैं 40-45 मिनट्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, मैं इन चीजों पे बात कर रहा हूँगा, और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट की क्वेश्चंस दे रहे होंगे. तो अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है कि आपने कोई सवाल करना है, तो आप चैट में लिख सकते हैं और एंड में हम उन सवाल को ले रहे होंगे. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. आई होप आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. आई थिंक मेरा कैमरा बंद हो गया. ओके, ओके. तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान्स इकोनॉमी. अपना इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया था. बेसिकली थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन मैं अगर करवा सकूं तो एकेडमिकली मेरी डिग्री एक्चुअली साइंस रिस्क मैनेजमेंट में है, फिर मैंने इकोनॉमिक्स में तालीम हासिल की, फिर एक सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की. 8 साल में एक ऑडिट फर्म के साथ मुंसलिक रहा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड. अभी मैं एक मालियाती दायरे के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ मैं कोई 16 ममालिक की इकोनॉमी का एनालिसिस और क्रेडिट रेटिंग्स कर रहा होता हूँ. So this is my brief introduction. अच्छा, ये outline कह लें, basically ये तीन sessions जो हमारे हैं उसकी है. तो पहला session आज macro economy and monetary policy का है, फिर we will be talking about in the next session, अगले हफ्ते हम, अगले Friday in fact, हम fiscal policy and debt position की बात कर रहे होंगे, और उससे अगले हफ्ते हम external account position की बात कर रहे होंगे. Fiscal policy से मुराद government की book है, basically government किस तरह से अपने
टैक्सेस लेती है, अपने रेवेन्यूज जनरेट करती है, और किस तरीके से वो रेवेन्यू से एक्सपेंसेस करती है, और जो बीच में खसारा रह जाता है उसे किस तरीके से पूरा कर पाती है। एक्सटर्नल अकाउंट में हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स आती हैं, एक्सटर्नल अकाउंट कहलाता है वो, और उसका खसारा किस तरीके से पूरा किया जाता है और इसका ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या आता है, ये हम अगले दो सेशंस में जानने की कोशिश करेंगे। सो टू स्टार्ट विद, आज के हमारे सेशन में हम क्या बातें करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने अक्सर नाम सुना होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन हम लिटरेचर में उसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल जीडीपी जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। इट्स आपने सुना होगा कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ, ठीक है। तो हमारी अब ग्लोबल विलेज से मुराद ये कि अमेरिका में जो होता है उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पाकिस्तान पे जरूर आता है, ठीक है। जो चीज यूएई में होती है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता है, ठीक है। जो पाकिस्तान में होती है उसका इम्पैक्ट दूसरी जगहों पे भी जा रहा होता है, ठीक है। तो इट्स अ ग्लोबल विलेज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमीज का साइज क्या है और वो किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट कर रही होती हैं। फिर हम इकोनॉमी की टाइप्स जानने की कोशिश करेंगे। टाइप्स डिफरेंट एस्पेक्ट से ली जाती हैं, ये एक फ्रॉम अ सप्लाई परस्पेक्टिव में उसकी बात करूंगा, और ये देखेंगे हम फिर के पाकिस्तान इकोनॉमी अभी कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो उसकी फॉर्मेशन क्या है, हमारे मेजर सेक्टर्स क्या क्या है, उन सेक्टर्स की फॉर्मेशन क्या क्या है। फिर हम आएंगे और बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेट बैंक से किस तरीके से कर रहा होता है, स्टेट बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या है, इफ्तातजर होती क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या होती है और प्रैक्टिकली क्या होती है, दोनों हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन की बेसिस पे इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपने सुना होगा जी, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट अनाउंस कर दिया और जी बढ़ा दिया है या कम कर दिया है या उतना ही रखा है, ठीक है। अक्सर हर दो महीने में हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो रही होती है और इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा होता है। फिर जो है हमारा एक्सचेंज रेट रिजीम से बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तीन मेजर चीजें हो रही होती हैं, एक आपका जो है वो सबसे पहले इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इन सारी चीजों का अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लिंकेज है, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है या अपना किरदार अदा कर रहा है उस चीज को स्ट्रेंथन करने में। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एन अक्यूमुलेशन of value of all finished goods and services produced in a country। इस तरह से समझें कि आप एक हाउस होल्ड हैं, ठीक है। एक जो है वो वालिद वालदा है, उसमें जो है वो तीन भाई हैं और दो बहनें हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके समझें कि अगर वालिद भी काम करते हैं और तीनों भाई भी काम करते हैं और दोनों बहनें भी काम करते हैं, तो छह कमाने वाले हैं आपके घर में, ठीक है। लेट्स से वालिद जो है वो टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, एक भाई जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहा है, एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, एक का जी अपना बिजनेस है, उसने रिटेल की दुकान खोली हुई है, ठीक है। और इस तरह दोनों चीजें दो अलग अलग सेक्टर्स काम कर रही है। तो ये जो तमाम छह लोगों का पैसा एक घर में आएगा, फिनिश होगा, उस चीज की मिसाल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके, ओके। सो जीडीपी इज बेसिकली एन अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ कंट्री। तो ये भी मैंने इंडिविजुअल की आपको एग्जांपल दी, इसी तरीके से आप अज्यूम करें कि एक कंट्री है, ठीक है। तो एक कंट्री बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी गुड्स बनाती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारी एग्रीकल्चर की चीजें बनाती है, ठीक है। उन सारी चीजों को जो फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट से मुराद ये कि जी एक प्रोसेस हुआ, एक आपने घर बनाया, घर में जो है वो सरिया भी लगा, सरिया के बाद सीमेंट भी लगी, सीमेंट के बाद वो घर बेकार, तो एंड में जो घर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन दी जीडीपी कैलकुलेशन, एनुअल कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और ये होती क्या है, बेसिकली क्या बताती है, बताती है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, द हायर द बेटर। जितनी ज्यादा अच्छी जीडीपी होगी, जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, उतना ही ज्यादा आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, जीडीपी को लेके दो तीन कॉन्सेप्ट है मेजर। सबसे पहले ये कि एक हम देख रहे होते हैं जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा जीडीपी पर कैपिटा, इसके बाद एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक जीडीपी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जी घर में छह लोग काम कर रहे हैं, सही है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप उन सबकी इनकम मिलाएंगे और सात से डिवाइड कर देंगे। वालदा काम नहीं कर रही थी, छह लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो दैट विल बी योर जीडीपी पर कैपिटा, के पर कैपिटा पर पर्सन आपकी जीडीपी क्या हो रही है, क्या आ रही है। अच्छा, इसमें होता है क्या है, वो ममालिक जिनकी आबादियां ज्यादा है और जीडीपी कम है, वो ऑब्वियसली उनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कम होता है। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन 1300-1400 डॉलर के करीब है,
जबकि अगर हम बात करें एक कंट्री फॉर एग्जांपल कुवैत की, तो कुवैत का जो है वो लेट्स से $55,000 जो है वो उनका जीडीपी पर कैपिटा है, सही है। अगर हम बात करें यूएई की आई थिंक वो भी $30,000-35,000 के करीब। तो जितना ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा होगा उतना ही ज्यादा उसकी अच्छी प्रोडक्शन हो रही होगी। तो ये आपके जीडीपी पर कैपिटा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि आपकी जीडीपी ग्रो किस तरीके से हो रही होती है, आपकी जीडीपी किस तरीके से जो है वो चल रही है, उसकी जो है वो ग्रोथ कैसी आ रही है, वो अच्छी ग्रो हो रही है, वो सही ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, वो अच्छी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अच्छी से मुराद ये कि हम ये देखते हैं कि रेट्स क्या चल रहे हैं जीडीपी के, सही है। तो ये इसी तरह लगा लें कि इनकम एक साल है, अगले साल इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अगर वो बढ़ गई तो ग्रोथ हुई, अगर नहीं बढ़ी तो ग्रोथ हुई है नहीं हुई। अच्छा, जो तनख्वाह बढ़ी वो इन्फ्लेशन के मुकाबले में कितनी बढ़ी, सही है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ आपने सुना होगा अक्सर कि रियल जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की 1.9% है। तो रियल से क्या मुराद, रियल से मुराद ये होती है कि आप इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी तनख्वाह 1,00,000 रुपए है, सही है। अगले साल मेरे ऑफिस वालों ने तनख्वाह बढ़ा के 10% बढ़ा के 1,10,000 रुपए कर दी, लेकिन जो इन्फ्लेशन थी उस कंट्री में, अभी हम आगे आके देखेंगे इन्फ्लेशन होती क्या, उसे किस तरह इम्पैक्ट आता है, वो 15% थी, ठीक है। तो मेरी इन एसेंस जो इनकम है ना वो कम हो गई, वो बढ़ी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो मेरी इनकम ग्रोथ से ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी होती है कि टोटल कितना है, टोटल कितनी जीडीपी बनी है, जीडीपी पर कैपिटा हम उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, और रियल जीडीपी ग्रोथ हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ देखते हैं कि उसकी क्या है। अच्छा, ग्रोथ पे आने से पहले हम थोड़ी सी ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी बात करें। नॉमिनल जीडीपी से मुराद ये कि टोटल, अभी किसी चीज से डिवाइड नहीं हुई हुई है ना, ये सिंपल हमने कितना प्रोड्यूस किया कंट्री ने वो आ रहा है, सही है। तो हमारी कोई दुनिया की कोई $80 trillion के करीब की इकोनॉमी है जो पूरी दुनिया जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे बीच में सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स, $21.4 trillion की इकोनॉमी है। तो दुनिया का 24% तकरीबन 25% जो है वो 1/4 जो है वो अमेरिका प्रोड्यूस करता है जीडीपी टर्म्स में। उसके बाद चाइना आता है 14.3 trillion dollars, दैट इज 16% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी आता है, ठीक है। फिर इंडिया भी 3.3% बनता है दुनिया का। पाकिस्तान आपको यहाँ पे दिखेगा, कहाँ गया, आई थिंक लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा, लेफ्ट मोस्ट पे जापान से ऊपर 0.28 trillion, मतलब तकरीबन हमारी $300 billion की हमारी इकोनॉमी है, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 0.32% ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन हमारी जो है वो थोड़ी माशाल्लाह अच्छी है। तो इस वजह से हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है, जो हम उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि आपने सुना होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए थे। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्राइसिस आते हैं ना, तो ये क्राइसिस हर जगह जाते हैं, क्योंकि हर कंट्री ने एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक रखा हुआ है, कोई एक्सपोर्ट है, कहीं पे इंपोर्ट है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे टूरिज्म है, वो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और इसी वजह से जो हमने COVID-19 में देखा कि COVID-19 में तो खैर सभी के सभी जो है वो रिसेशन में आ गए, लेकिन अगर वो ना भी होता तब भी अगर एक कंट्री भी इम्पैक्ट आता है और वो बड़ी कंट्री है तो वो उसका इम्पैक्ट आता है। इसी तरह समझ लें कि लेट से 6 लोग तो काम कर रहे थे, बट जो वालिद थे उनकी तनख्वाह 2 लाख थी और बाकी दोनों की जो है वो 25,000 रुपए थी, ठीक है। तो जो 25,000 वालिद की अगर नौकरी छूट जाए तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर वालिद जिनकी 2 लाख तनख्वाह है, अगर उनकी नौकरी छूट जाए तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, ओके। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर। इसी तरह अमरीका और चाइना और जापान की उसी तरीके से इम्पोर्टेंस है, इस तरह घर में जो है वो हमारे वालिद की होती है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ लेमैन एग्जांपल, ओके। तो दिस इज हाउ ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी लुक्स लाइक। इस तरीके से आपको जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नजर आती है। अच्छा, फिर मैंने बात की थी रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ ये कि जीडीपी ग्रो किस तरीके से हो रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो हमने देखा, अच्छा होता क्या है, जितनी ज्यादा, अच्छा वर्ल्ड बैंक जो है ना वो इकोनॉमीज को 3-4 टुकड़ों में डिवाइड करता है, 4 क्लासिफिकेशन डिवाइड करता है। सबसे पहले आती है डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा मजीद डेवलपमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, जो डेवलप स्टेट्स हैं, ओके। फिर आती है डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी हाई डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन नाम शायद मैं थोड़े बहुत आगे पीछे कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट दूसरे लेवल पर आती हैं वो कंट्रीज होती हैं जो कि
ऊपर वालों से नीचे होती हैं और नीचे वालों से ऊपर, तो मिडिल आप कह लें उसे, ठीक है। तो आई थिंक $16,000 से ऊपर अगर आपकी जीडीपी पर कैपिटा है तो इन कंट्रीज में आएगा। फिर $16,000 से $5,000 तक वो कंट्रीज आती हैं जो कि हम जिसे मीडियम हाई डेवलप कंट्रीज कहते हैं, और फिर आखिर में जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज आ रही होती हैं जो कि $5,000 से जो है वो नीचे होती हैं। तो ये $5,000 से जो नीचे वाली जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज होती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल, ये शायद नंबर्स और ये जो टर्मिनोलॉजी है शायद थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, बट आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा होता है क्योंकि अब ये डेवलप हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे कंपनीज लग रही हैं, ठीक है। सो इससे उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। जब भी आपको देखेगा इंडिया की ग्रोथ जी 8% पे थी, वियतनाम की ग्रोथ 7% पे थी, इंडोनेशिया की ग्रोथ 5% 5.5% पे थी, पाकिस्तान की भी 5.6 पे चल रही होती है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अमरीका 1.5-2 से ऊपर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, जापान बिल्कुल ही 0.5-2.2 इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब नहीं है दे आर नॉट डूइंग वेल, सही कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि वो आगे मजीद उसमें जो है वो इंक्रीज की गुंजाइश नहीं है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है, और पाकिस्तान इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, वी आर ग्रोइंग। थोड़ा सा रिसेशन की वजह से इस वजह हिट है COVID-19 की वजह से, जो कि आप प्रोजेक्शन में देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो 4.4% से कॉन्ट्रैक्ट होने की उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है ऑब्वियसली, बट एक्सपेक्टेशन है। पाकिस्तान तकरीबन 0.5 भी आ रहा है, कहीं पे 1.5 भी आ रहा है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं जो कि हम देखेंगे के जो है वो उस पे श्रिंक हो गया। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये हैं जनवरी टू जुलाई, पाकिस्तान का फिस्कल ईयर चलता है जुलाई टू जून, तो ये नंबर्स थोड़े से जो है वो ना वो डिफरेंट होंगे। बट हैविंग सेड दैट, COVID-19 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है और पाकिस्तान पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप देखेंगे डेवलप इकोनॉमीज पे ज्यादा है। यूरो एरिया 8.3 से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी, अमरीका 4.3 से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान 1.5 से हो रहा है, इंडोनेशिया 1.5 से हो रहा है, ओके। तो हमें वहां पे फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है। तो दिस इज ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी इकोनॉमीज की टाइप क्या क्या है। अच्छा, इकोनॉमी टाइप वैसे तो आपने सुना होगा ओपन इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लिटरेचर में वो भी पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इकोनॉमी से मुराद ये कि आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, सर्विसेज बेस्ड है के नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड से मुराद ये कि अगर जो आप मैंने जो आपको जीडीपी बताई ना, ठीक है, तो जीडीपी डिफरेंट सेक्टर से आ रही होती है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अगर वो प्रोमिनेंट है, ज्यादा इनकम वहां से आ रही है, ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो दैट विल बी एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे आती है सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी। अगर आपके मुल्क सर्विस ज्यादा दे रहा है, रिटेल सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, टूरिज्म सर्विसेज है, अगर सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा है तो आप उसे सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से मुराद इंडस्ट्रीज लगी हुई है, चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म का काम हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन होती है, ज्यादातर कंट्रीज शुरू में एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर से वो कुछ सर्विसेज में गई और सर्विसेज से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। मेरा क्लाइंट है मलेशिया की, मैं रेटिंग करता हूँ, तो वहां पे मैंने ये देखा कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर से सर्विसेज में आए और सर्विस से अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि बेसिकली आप ये देखें कि एग्रीकल्चर और नॉलेज इकोनॉमी में फर्क क्या है। फर्क ये है कि एग्रीकल्चर में लेट से 10,000 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, 10,000 लोग काम कर रहे होंगे और इतने बड़े रकबे पे जो है वो जी फसलें लगी होंगी, लेकिन जो आउटपुट निकल के आएगा लेट से वो $10,000 का आएगा, सही है। लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में लेट से 100 लोग काम कर रहे होंगे और वे एक छोटी सी फैक्ट्री में जो है वो लेट से माइक्रोचिप्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसर्स बना रहे हैं, ठीक है, AI पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं विच इज ऑफ हाई वैल्यू, विच इज समथिंग दैट इज ड्राइव फ्रॉम नॉलेज, ठीक है, वो इस तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो लोग कम होंगे, रिसोर्सेस कम होंगे, बट एक जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, ठीक है, या आपने मोबाइल बना लिया, या आपने जो है वो माइक्रोचिप्स बना ली, या आपने ट्रांसमीटर्स बना लिए, तो वो होगी छोटी सी चीज बट वो बिकेगी बहुत महंगी। तो 100 लोग काम कर रहे हैं, छोटे से रकबे काम कर रहे हैं, बट $1,00,000 उससे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवर द टाइम इकोनॉमीज क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो एग्री बेस से या एग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विसेज की तरफ जाएं और फिर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और एग्रीकल्चर का क्या होगा, एग्रीकल्चर जब इतने पैसे आ जाएंगे तो बाहर से चीजें मंगवा लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे, सही है,
तो इस तरीके से जो है वो आपकी इकोनॉमी चल रही होती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वी आर मोर ऑफ एग्रारियन एंड सर्विसेज बेस्ड। यार हम अगर हम शेयर देखें तो पाकिस्तान का जो ज्यादा जीडीपी का शेयर आ रहा है वो 61% से आ रहा है, 61% सर्विस सेक्टर से आ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी हम आगे देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और उसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो तकरीबन कोई 19% आ रहा है और एग्रीकल्चर 19% आ रहा है। अच्छा, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्टिल एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, उसकी वजह ये तकरीबन 38% जो हमारी मैन पावर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। मैं मोरक्को कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, दे स्टिल हैव एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो जब मोरक्को की इकोनॉमी की जीडीपी कोट होती है ना, तो वो इस तरह कोट होती है कि एग्रीकल्चर जीडीपी और नॉन एग्रीकल्चर जीडीपी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऐसी इकोनॉमी जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा है, तो उसकी फॉर एग्जाम्पल सऊदी हो गया, फॉर एग्जाम्पल ओमान हो गया, फॉर एग्जाम्पल यूएई हो गया, ठीक है, तो उनकी कैसे जीडीपी पोस्ट हो रही होती है? ऑयल जीडीपी, ऑयल बेस्ड जीडीपी और नॉन ऑयल बेस्ड जीडीपी, ठीक है। तो जो मेजर सेक्टर है उसकी बाइफर्केशन आ रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं देखेगा जर्नली, हमारी तीन आ रही होती है, एग्री, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की हमारी ब्रेकअप जर्नली आ रहा होता है। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। वी आर मोर इन टू सर्विसेज नाउ, हम ज्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्री में यस वी आर गुड, एंड वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा है, तकरीबन 35-37% है जो मुझे पहले मिला था। इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी छोटा है, ग्रो कर रहा है, बट हमें अगर सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी से या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव करना है, तो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है वो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत होगी और हो भी रहा है, ठीक है। आपने अभी जो है वो हम गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स देखे होंगे डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से, फ्रीलांसर्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे काम इस पे इनिशिएटिव ऑलरेडी हो रहे हैं। हर कंट्री ये चाहती है, हमारी कंट्री भी चाहती है कि वो इन सेक्टर से निकल के टूवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी मूव करे, और ये उसका ऑब्जेक्टिव भी है। ऑलराइट, तो फिर हम देख लेते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है। सही है, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें चार मेजर्स जो है वो हमारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले क्रॉप्स आ जाती हैं, फिर लाइव स्टॉक आ जाता है, फिर फॉरेस्ट्री आ जाती है और फिर फिशिंग आ जाती है। फॉरेस्ट्री और फिशिंग तो बहुत ही छोटे छोटे से हमारे पोर्शन है, ठीक है, बट क्रॉप्स इज अ मेजर पोर्शन। क्रॉप से फिर हमारी फर्दर बाइफर्केशन होती है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं, ठीक है, हमारे पास शुगर केन है, हमारे पास वीट है, हमारे पास राइस है, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स हैं जो कि जो है वो क्रॉस में जा रही होती है। फिर लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, दूध हर घर में चाहिए, ठीक है, पोल्ट्री या जो मुर्गियां होती हैं या जो हम गोश्त खा रहे होते हैं, दैट्स द लाइव स्टॉक सेक्टर। तो वो बहुत ही ज्यादा होता है और हम ज्यादा, आपको पता है, ज्यादा गोश्त खोर लोग हैं, ठीक है, तो हमारे लाइव स्टॉक जो है वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो हमारे घर के यूजेजेस हैं। और फिर क्रॉप्स भी उसी तरीके से हो रही होती है, फॉरेस्ट्री और उसका। अभी मैं इसका आपको नीचे आके बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मसला क्या है। एक तो मैंने मैन पावर का बता दिया, एक और मसला है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है और जिस वजह से इकोनॉमीज एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। ओके, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर था। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन हाईलाइट, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर बोल तो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है क्या क्या, ठीक है। तो पाकिस्तान में चार मेजर चीज, दो मेजर चीजें हैं, दो छोटी चीजें हैं। क्रॉप्स, क्रॉप्स में हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स के नाम से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्टेट बैंक की पूरी जो है डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, डिटेल में उन्होंने बताया होता है कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स नहीं है, क्या मसला है, खरीफ में क्या है, रबी में क्या है, ठीक है। और आप देख रहे होते हैं उसका इंपैक्ट भी आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अर्से पहले देखा था कि जो है टमाटर आराम से जो है 300 किलो पे चले गए थे और उसका हमारे इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आया था। बट ये चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है जो भाई भी मैं स्टेट बैंक की पॉलिसी भी पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उन क्रॉप से बाहर निकले जो कि ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग जो ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चावल में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और रही है कि वो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप से बाहर निकले और ऐसी क्रॉप पे इन्वेस्ट करें जो कि जिसमें ये चीजें नहीं होती या पानी कम से कम इस्तेमाल होता है, रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमालों और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकले। तो दिस वाज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है, तकरीबन 19% का शेयर है। माइनिंग एंड क्योरिंग, अगेन ऑयल एंड गैस सेक्टर आ जाता है। थोड़ा बहुत हम तेल निकालते हैं, हमारी गैस भी निकलती है, ठीक है, फिर उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सही है, उसके पूरा एक मैकेनिज्म है। जो आप इंपोर्ट करते हैं उसकी भी हम कुछ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उसकी हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा वो सेक्टर है जो कि माइनिंग एंड क्योरिंग में आ रहा होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका तकरीबन 13% का वेट है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट, तकरीबन 65% है। मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ आ जाएगा,
टेक्सटाइल वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्सपोर्ट में तकरीबन 57% टेक्सटाइल सेक्टर आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपको प्रोडक्शन वाली चीजें मिलेंगी ना, जहां पे कोई चीज निकल रही है, बन रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाती है, ठीक है। इसमें फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसे LSM और उसमें डिवाइड होता है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका एक फिर मजीद एक बाइफर्केशन है, और बहुत ज्यादा जो चीजें हो रही होती हैं वो LSM या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हो रही होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो माइनिंग एंड क्यूरिंग आ गया, ऑयल एंड गैस, फिर उससे जो बिजली बन रही है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, KE हो गया, MAPCO, SHAPCO, LAPCO, जो CAPCO, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो सारी जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये देखा गया है कि किसी भी इकोनॉमी में जब इकोनॉमी को उठाने की बात होती है तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। अभी भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ नया हाउसिंग स्कीम, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, बट गवर्नमेंट की एक स्कीम जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आई है, क्योंकि कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो सेक्टर है जिससे कई दूसरे सेक्टर मुंसलिक हैं। तो अगर आपने घर बनाना शुरू कर दिए तो आपको सीमेंट भी चाहिए होगी, आपको सरिया भी चाहिए होगा, आपको लोहा भी चाहिए होगा, आपको बजरी भी चाहिए होगी, आपको बिजली भी चाहिए होगी, तार भी चाहिए होंगे, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बहुत लंबी लिस्ट आती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर तकरीबन 13% के लगभग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इज सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा होलसेल एंड रिटेल तकरीबन 18%। अच्छा, ये सारे नंबर्स स्टेट बैंक से लिए गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिए गए हैं, सोर्स मैंने नीचे लिखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंट्रल बैंक बहुत जबरदस्त पब्लिकेशन दे रहा होता है, बहुत अपडेटेड डेटा दे रहा होता है। मैंने दुनिया में कई कंट्रीज में काम किया, ट्रस्ट मी, ये वाली क्वालिटी जो है वो इस तरीके से नहीं मिल रही होती, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल रही होती, इतनी जल्दी नहीं मिल रही होती। देयर आर कंट्रीज जिसमें आप पिछले साल का भी डेटा आपको नहीं मिल रहा होता, सही है। तो एनीवे, सो बेसिकली सर्विस सेक्टर में सबसे पहले होलसेल एंड रिटेल ट्रेड आ जाता है, ठीक है। जो आपके घर में दुकानें खुली हुई है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, अभी आपको पता होगा कुछ अर्से पहले बहुत ज्यादा रिटेल सेक्टर पे टैक्सेशन पे काम हो रहा था, तो उसी से हो रहा था कि 18% GDP का जो है वो रिटेल सेक्टर से आता है और उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई भी, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में आपकी रेलवे आ जाती है, आपका एयर सेक्टर आ जाता है, जो पब्लिक सर्विसेज बसेस चलती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, सारी चीजें उसमें आ जाती है। फाइनेंस इंश्योरेंस तकरीबन 3.6% कंट्रीब्यूट करता है, इसमें तमाम तरह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तमाम तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। हाउसिंग सर्विसेज आ जाती हैं, जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं और अदर प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे होते हैं। तो ये हमारा सर्विस सेक्टर है विच फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ 60% ऑफ आवर इकोनॉमी। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो हमारी इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसमें तीन मेजर सेक्टर्स हैं, GDP क्या होती है, GDP पर कैपिटा क्या होता है, रियल GDP ग्रोथ किस तरीके से होती है, हमारे मेजर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन सेक्टर्स के सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ किस तरीके से रही है। अच्छा, जो मैं एग्रीकल्चर कह रहा था ना, सॉरी, ओके, तो जो मैं एग्रीकल्चर कह रहा था, ये आपको लाल कलर की लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे 15 से 16 में नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, सही है। तो एग्रीकल्चर का मसला ये है कि बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। बारिश नहीं हुई, हमला हो गया, ठीक है। अभी आपने कुछ अर्से पहले सुना था कि जी वो क्या होते हैं, वो टिड्डे जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया, सही है। तो वो आम की फसल जो है तबाह होगी, खैर कराची में तो बहुत ज्यादा आम मिले, अर्नों के वो कौन सी फसल खराब हुई थी, बट आपको ये दिखेगा, सही है, कि फ्लड आ गया, सही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं आउट ऑफ द ब्लू, जिसपे जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपकी एक मेजर, ये ऐसे ही है कि जो हम कहते हैं ना कि जी नौकरी करनी चाहिए और कारोबार नहीं करना चाहिए, तो कारोबार इस वजह से नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें वॉलिटिलिटी है, उसमें आपको जो है वो चीजें कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज प्रीटी सिमिलर टू डैट, उसी तरह की चीज है जो कि वॉलेटाइल ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जरा से मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल चल रही है, ये सारा डिप आपको 2020 के बाद दिखेगा, जो कि लार्जली COVID-19 का इम्पैक्ट है, बट आपको ये देखेगा कि स्टेबल लाइन चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की भी, सर्विसेज की भी, ठीक है। तो 2020 में यस देयर इज एन इम्पैक्ट, और ओवरऑल हमारी ग्रोथ जो है वो नीचे आई है, और नीचे आने की जो है वो और मजीद तवक्को भी है, बट आपको ये वॉलिटिलिटी वाला जो मसला है वो रियल GDP ग्रोथ में आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद छोटा सा टच कर लेते हैं कि ये तो आपने सप्लाई साइड देख ली, अब आप ये देखते हैं कि डिमांड साइड क्या, मतलब कौन लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो
जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमी की बहुत बेसिक एक इक्वेशन होती है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, ये हम बहुत हमने पढ़ी है. ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि कंज्यूम कहाँ पे कर रहे हैं. तो पाकिस्तान में आप देखेंगे ये हर इकोनॉमी ज्यादातर जो होती है वो प्राइवेट कंजम्पशन बेस्ड होती है. तो हमारी तकरीबन 80% 79% जो कंजम्पशन होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है. गवर्नमेंट कंजम्पशन तकरीबन 13% होती है, इन्वेस्टमेंट तकरीबन 14% हो जाती है. अच्छा, ये आप देखेंगे ना, सबको सम करेंगे तो ये 100% से ऊपर बनेगा. उसकी वजह ये है कि जो एंड में एक्सपोर्ट है ना, वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो जाता है. और क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कम है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर आता है, जब भी मिलके जो है वो तकरीबन 100% जो है वो इकोनॉमी बन जाती है. ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो ड्रिवन हो इकोनॉमीज. हमारी 80% है. मैं मलेशिया, मेरे क्लाइंट है मलेशिया में काम करता हूँ मैं, 92% है उनकी जो प्राइवेट कंजम्पशन है. फिर देयर इज अ कंट्री काजिकिस्तान, वहां पे ज्यादातर गवर्नमेंट ओन्ड है, वहां पे यही चीज जो है वो 60% पे है. ठीक है, तो दिस इज द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी. फिर इस चीज का इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट पे. अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मैक्रो इकोनॉमी को लीड कर रहा होता है. जितनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी इसका मतलब हालात उतने अच्छे नहीं है. ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट गोज हैंड इन हैंड. ग्रोथ ज्यादा होगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ग्रोथ कम होगी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, COVID-19 हुआ, कंपनीज बंद होना शुरू हुई, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई, स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया, वो सारी चीजें, उस बहस में भी मैं नहीं जा रहा. इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, बहुत अच्छा काम किया हमारी गवर्नमेंट ने भी और हमारे सेंट्रल बैंक ने, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम किया दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने. लेकिन उस चीज का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखता है. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपकी इकोनॉमी का कि वो कितनी अच्छी या कितनी बुरी चल रही है. अच्छा, यहाँ तक हमारा जीडीपी का था. अगर किसी का सवाल है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क बिफोर आई मूव टू मॉनेटरी पॉलिसी. अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले प्लीज. एक मिनट में वेट करूंगा, अगर किसी का सवाल आ जाता है तो सही है. आई विल स्टार्ट मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, ऑलराइट, चले मैं फिर अगर आ रहा होगा तो मैं फिर बाद में से जो है वो कर लूंगा. मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करते हैं. We are left with 20 minutes. Time कम है और मुकाबला सख्त है. So monetary policy basically क्या करती है? Monetary policy ये देखती है कि आपकी मईशत में money supply कितनी चाहिए, कितना पैसा circulate होना चाहिए. ठीक है, interest rates क्या होने चाहिए. ठीक है, इसका main objective ये है, main objective ये है कि monetary stability हो आपकी economy में. ठीक है, आपकी economy क्या हो, stable हो. सही है, उसकी जो price levels है वो stable हो, बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन ना हो, इन्फ्लेशन लो हो, इन्फ्लेशन स्टेबल हो, ताकि तमाम तर चीजें लोगों के कंट्रोल में हो, इंटरेस्ट रेट्स कम रहे, ताकि जो है मईशत लगे, ताकि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि कारोबार बढ़े, और ये सारी चीजें जो है वो जिसे हम कहते हैं मईशत का पहिया चलता रहे. ठीक है, तो दिस इज मॉनिटरी पॉलिसी. स्टेट बैंक इसे ड्राइव कर रहा होता है, स्टेट बैंक चला रहा होता है. 1956 का हमारा जो एक एक्ट है उसमें डिफाइन किया जाता है कि इट इन्विसाजेस मॉनिटरी पॉलिसी to secure जीडीपी इक्वेशन उस्मान बेसिकली ये होती है कि हम ये देखते हैं कि कितना अंदर आ रहा है जीडीपी और कितना बाहर जा रहा है. तो हम कंजम्पशन क्या हुई है उसे हम ऐड करते हैं, हमने कितना इन्वेस्ट किया हम उसे ऐड करते हैं, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है इकोनॉमी में पैसा आया है. ठीक है, उसे हम ऐड करते हैं और उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं किस चीज को, जो हमने बाहर भेजा है, मतलब इंपोर्ट्स को. ठीक है, दिस इज अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव. ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे जो है वो हम ले रहे होते हैं. मूविंग बैक टू मॉनेटरी पॉलिसी. आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी पे म्यूट हुआ था मैं.
तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या कर रही होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये बता रही होती है कि आपकी जो पैसा है, ठीक है, वो पैसा जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके से जो है वो उस पैसे की के लेवल को बरकरार रखा जा रहा है। ठीक है, पैसे से मुराद ये कि आपके पास जेब में 1,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास घर में जो है वो 20,000 रुपए रखा है, मेरे बैंक में 1,00,000 रुपए रखा हुआ है, ठीक है, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो पैसे की बेसिकली डिफरेंट M1 M2 M2 टाइप्स होती हैं, उस डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली देखा ये जाता है कि पैसे की सर्कुलेशन कितनी है, कितना पैसा मार्केट में या इकोनॉमी में मौजूद है। ये स्टेट बैंक को सब पता होता है कि कितने नोट इस वक्त मार्केट में मौजूद है, कितना पैसा पानी मार्केट में मौजूद है, ठीक है, और वो क्या कर रहा होता है, वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो, ठीक है, वो स्टेबल रहे। तो अच्छा, कौन कर रहा होता है, स्टेट बैंक कर रहा होता है। और स्टेट बैंक की जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जो 1956 एक्ट से निकल के आता है, वो ये आता है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर तरीके से चले, वो अच्छे तरीके से चले, वो एहसन तरीके से चले, वो अपने तमाम तर पोटेंशियल जो है उसे इस्तेमाल करते हुए अपने अपनी रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे। तो SBP व्यूज के मुताबिक जो बेहतरीन तरीका उस चीज को करने का वो ये है कि इन्फ्लेशन लो रहे और स्टेबल रहे, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी होता। अभी आपने सुना होगा शायद कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो तकरीबन आई थिंक 10% क्रॉस कर गई है, तो वो थोड़ी सी अभी ऊपर चल रही है। वो क्यों होता है, ठीक है, वो इस वजह से होता है कि उससे पहले हमें इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली किस तरीके से आती है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फ्लेशन इज बेसिकली सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइजेस इन द इकोनॉमी। तो जिस जिस तरीके से पैसा या प्राइजेस इकोनॉमी में बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे इन्फ्लेशन आ रही होती है। अच्छा, बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन से होता यह है कि आपके पास पैसा तो सेम रहता है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे, 1970 में आप $0.25 का एक कप खरीद सकते थे कॉफी का, ठीक है, 0.25 का आप एक कप मिल जाता आपको कॉफी का। 1980 में वो बढ़ के 0.45 हुआ, 90 में 0.75, 1.25 और 2019 में वो 1.59 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जितने पैसे में आपकी एक कॉफी आ रही है, 1970 में 6 कॉफीज आ जाती थी तकरीबन, सही है। तो आपकी क्या हुआ, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, आपका पैसा तो उतना ही रहा, ठीक है, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल, आप गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स लाते थे, ठीक है, आप अपना राशन लेके आते थे, सही है, तो आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपए, आपका राशन आता था लेट से 30,000 रुपए का, सही है। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुई, पैसा बढ़ गया, आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपए रही या चले 1,10,000 हो गई, बट वो जो बास्केट ऑफ गुड्स थी ना आपकी, जो आप राशन लेके आते थे, वो 30,000 रुपए बढ़ के 45,000 हो गई, ठीक है। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। जो चीज आप 30,000 में ले लेते थे, अब वो आप कितने में लेते हैं, 45,000 में लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, इफ़्रात-ए-ज़र जिसे हम कहते हैं। इसका क्या है, ये इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइजेस, ठीक है। तो हर सेंट्रल बैंक की ये कोशिश होती है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशन को कम रखा जाए। इन्फ्लेशन में दो तीन होते हैं, जैसे हमारी आजकल इन्फ्लेशन है, इसे हम नॉर्मल इन्फ्लेशन कहते हैं, सही है। फिर एक चीज होती है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन वो होती है जिसमें प्राइसेस कम होना शुरू हो जाए, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मिडिल ईस्ट में, सऊदी में आपने सुना होगा शायद कि पॉलिसी हुई थी और लोग बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गए थे बाहर सऊदी से, सऊदीआइजेशन जो हो रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी के जो रेंट्स थे वो बहुत ज्यादा कम होना शुरू हुआ, और रेंट्स जो आपके आपके इन्फ्लेशन में आते हैं, तो उनके डिफ्लेशन हो गई थी, उनके पैसे कम होना शुरू हो गए थे, ठीक है, तो डिफ्लेशन भी अच्छी नहीं है। तीसरी चीज आती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होती है वो अक्सर जब आता है जब सेंट्रल बैंक कर्ज उतारने के लिए पैसे छापना शुरू कर दे, ठीक है। अभी सूडान में हुआ, सूडान की इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 212% है, ठीक है, कितनी है, 212%, ठीक है। 60-70-80% तो वैसे ही चल रही होती है उनकी, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट, जिम्बाब्वे में यही हाल है, वेनेजुएला में भी यही हाल है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत बुरा हाल होता है इकोनॉमी का जब ऐसी कोई चीज हो रही होती है। अच्छा, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ कहाँ से आ रही होती है, वो फूड से आ रही होती है, वो क्लोथिंग से आ रही होती है, वो हाउसिंग से आ रही होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से आ रही होती है, वो हेल्थ ट्रांसपोर्ट से आ रही होती है, वो एजुकेशन से आ रही होती है, ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर इज करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम है वो आपके जो है वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पे इंपैक्ट आता है, इंपोर्टेड अगर फूड है तो उस पर इंपैक्ट आता है। तो ये वो सारी जगह है जहां से इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में आ रही होती है। तो डिस्पाइट के
गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक ये चाहे कि उसे कंट्रोल रखे, उसके कुछ तरीके हैं उसे कंट्रोल रखने के, ठीक है, और उसे जो है वो बट दैट रिमेन्स हाई डिस्पाइट ऑफ दीज एफर्ट्स समटाइम्स। तो ये जो है वो आपका जो है वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लेशन से हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा होता है, ठीक है। तो जो हमारा आपने सुना होगा ना, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट रखा है जी, पॉलिसी रेट बढ़ गया है, पॉलिसी रेट कम हो गया। आपने सुना होगा कि तकरीबन से 13-13.5% पे हमारा जो है वो पॉलिसी 13.5% पॉलिसी रेट था पिछले 6 महीने पहले कोविड से पहले, अब वो कम होके जो है वो 7% पे आ गया। तकरीबन 6.5% का जो है वो 6 महीने में फर्क हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट डिस्काउंट दैट हैज बीन गिवन बाय एनी इकोनॉमी इन साउथ एशिया, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी एफर्ट है ऑन ऑन द पार्ट ऑफ SBP। तो होता क्या है, होता ये है कि एक एक चीज हम कहते हैं, उसे कहते हैं फिशर्स इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या कहती है, फिशर इफेक्ट ये कहती है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, रियल इंटरेस्ट रेट दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने पहले रियल GDP की बात की थी। रियल GDP ग्रोथ क्या थी, रियल GDP ग्रोथ ये थी कि आपकी जो भी ग्रोथ हुई है आप उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें, तो आप देख लें कि आपकी एक्चुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। तो रियल इंटरेस्ट रेट में आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 7% चल रहा है, ले या दैट से 10% चल रहा है, ये बल्कि अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉर्मल इन्फ्लेशन चल रही है 10% और इंटरेस्ट रेट चल रहा है 13.5%, ठीक है। तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसमें से आपने नॉर्मल इंटरेस्ट रेट को माइनस कर दिया इन्फ्लेशन, तो आपका 3.25% आ गया। अच्छा, नाउ यू मे आस्क कि जी अभी तो ऐसा नहीं है, सही है, अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 7% पे और हमारी इन्फ्लेशन तकरीबन 9-10% पे है, और मुझसे बहुत ज्यादा एज एन इकोनॉमिस्ट ये बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो उसका जवाब ये कि इट हैपेंस, थोड़े से अरसे के लिए होता है, लेकिन ठीक है, जब इस तरह के रिसेशनरी इन्वायरमेंट आए, कोविड हो जाए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो स्टेट बैंक को ऐसे कुछ इकदाम लेने पड़ते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे रहते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म अगले 6 महीने में साल में आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें डाइवर्ज कर रही होंगी और स्टेट बैंक विल अल्टीमेटली मूव इन टू दैट डायरेक्शन, ठीक है। बट वो ऑब्वियसली वो अपने डिसीजन होते हैं, पूरी कमेटी बैठती है, देखते हैं कि क्या बेहतर है इन दी ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी लिए क्या चीज बेहतर है, क्या ये बेहतर है कि ये वाले इक्वेशन कायम रहे और लोगों को जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव मिलता रहे, क्या इस वक्त ये ज्यादा जरूरत है कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहे लेकिन इकोनॉमी चलती रहे, ठीक है। तो दैट्स अ डिसीजन दैट दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेक, एंड दिस इज हाउ दे कम अप विद द रेट्स दैट दे कम अप विद, ओके। तो ये हो गया हमारे फिशर इफेक्ट, इसी बेसिस पे इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट निकलता है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बेसिस पे निकलता है। तो ये नहीं देखते कि अभी क्या इन्फ्लेशन है, वो देखते हैं कि आगे इन्फ्लेशन क्या रहेगी। अगर उन्हें लगता है कि ऊपर जाएगी तो वो रेट बढ़ा देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नीचे आने वाली है तो वो कम कर देते हैं। इट्स नॉट एज सिंपल, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, बट ब्रॉडली जो है वो ये फैक्टर्स देखे जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पे। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट क्या होती है कि आपकी करेंसी किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि PKR हमारा 105 पे था, 105 से फिर वो 130 पे गया और फिर होते 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 160 के करीब आ गया, 169 पे गया, फिर वापस अभी 160 पे आ गया। ये किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है करेंसी डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। तो पैसा आपके पास है कितना, तो डॉलर से हम डिनोमिनेट कर रहे थे, डॉलर कितना है, तो जब हमारा करेंसी फ्लक्चुएट होना शुरू हुई थी तो हमारे रिजर्व्स कम हो गए थे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। अभी जो स्ट्रेंथन हो रही है उससे हो रही है क्योंकि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ने आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिले कर दी हैं, आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं, आपके एक्सपोर्ट्स दोबारा पिकअप करना शुरू किया है, वो भी रिकवरी की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉलर ज्यादा होंगे, पेमेंट्स कम होंगी, तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी। अगर डॉलर कम होंगे, पेमेंट ज्यादा होंगी, तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। फिर ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के। तो अभी मैंने पाकिस्तानी इंटरेस्ट रेट की बात की, आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि जैसी रिसेशन हुई, जैसी ये अनाउंस हुआ मई में, जो फेडरल रिजर्व है अमरीका का, मैं आपको शुरू में दिखाया था ग्लोबल GDP में 24%, तो जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो भी 24% वाली ही होती है। जब अमेरिका की पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क आता है तो दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क आता है। तो उन्होंने क्या किया, 2.5% पे लेके गए थे अपने पॉलिसी रेट को, अमेरिका के फेडरल रिजर्व जो उनका स्टेट बैंक है, और वो वापसी 2.5% से 2.25% से डायरेक्ट 0% पे ले आए, ठीक है। और कुछ जगहों पे जापान हो गया, यूरो एरिया, वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, ओके। तो नेगेटिव इंटरेस्ट से मुराद ये कि बेसिकली अगर बैंक वापसी पैसे रखवाते हैं सेंट्रल बैंक को, उन्हें कोई अमाउंट देनी पड़ती है, जो भी रेट हो, 0.1% होता है, बहुत कम होता है, बट ये सबसे होता है कि लो बैंक्स जो है वो पॉलिसी पैसा सर्कुलेट करें, ठीक है। फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ रहा होता है कि जी असल वैल्यू की कदर क्या है एज कम्पेयर टू कंट्रीज।
तो ये चीजें होती हैं जो कि किसी भी एक्सचेंज रेट को डिफाइन कर रही होती हैं, उसे डिटरमिन कर रही होती हैं। फिर हमारे पास आती है कि जी एक्सचेंज रेट रिजीम्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास रिजर्व करेंसी होती है, हमारे पास एक्टिवली ट्रेडेड कंट्रीज होती है, मैनेज नोट होता है, पैग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा सऊदी जो है वो यूएस से पैसे, सऊदी रियाल, या जो दुबई का यूएई का दरहम है वो सऊदी से पैक है, जिस तरह यूएसडी से पैक्ड है। तो जैसे जैसे यूएसडी मूव होता है वैसे वैसे उनकी करेंसी मूव होती है पैक्ड। हमारा है मैनेज फ्लोट, तो हम यही सारा आईएमएफ से डिस्कशन भी चल रहा था, और हम जो है मैनेज फ्लोट से जो है वो एक हम एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे गए थे। जब भी आप देखेंगे कि एक दिन रेट कम हो रहा होता है, एक दिन रेट ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, दिस वॉज दी मेन डिस्कशन। और ये मैंने आईएमएफ की रिपोर्ट से ये लाइन उठाई थी कि द फ्लेक्सिबल मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट रिमेन्स एसेंशियल टू कुशन दी इकोनॉमी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स एंड रिबिल्ड रिजर्व। तो हमेशा जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसे प्रिफर किया जा रहा होता है, और हम बहुत हद तक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे आ गए हैं और हम अब वो रिजीम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, रोल ऑफ PSX या एनी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान, आई थिंक इट हैज पिवोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले ये कि जब भी मैं किसी इकोनॉमी को देखने जाऊंगा, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, जब भी मैं इकोनॉमी देखूंगा, मैं देखूंगा कि उसमें स्टॉक एक्सचेंज की डेप्थ क्या है। डेप्थ से मुराद ये है कि उसका साइज क्या है, उसमें किस तरीके से प्लेयर है, उसकी रेगुलेशन कितनी स्ट्रांग है, उसमें बाहर के इन्वेस्टर कितने ज्यादा मौजूद है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी इकोनॉमी को पैसा चाहिए होता है ना, उसके बाद दो सोर्सेज होती हैं, तो वो अंदर से ही जनरेट करे, अपनी इकोनॉमी से जनरेट करे, या वो बाहर से लेके आए। तो अगर आपकी मार्केट डीप होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स डीप होती हैं, स्टॉक मार्केट डीप से मुराद ये कि लोगों के पास पैसा होता है, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके, तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस इज वॉट PSX हैड बीन डूइंग फॉर पाकिस्तान। PSX हैड बीन प्लेइंग दिस रोल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और इट हैज बीन इंप्रूविंग विद टाइम। तो वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होते पे चला जा रहा है। हर कुछ सर से बाद आप देखते हैं कि एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी उसकी रेगुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत मेजर रोल है। इसके अलावा जो तीन मेजर रोल हैं जो जो PSX कर रही होती है, वो ये कर रही होती है जी रेजिंग कैपिटल फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो बिजनेसेस को कैपिटल चाहिए होता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उन्हें देखना होता है कि जी पैसा उन्हें, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर में प्लांट लगाना है, ऑयल एंड गैस वाले ने रिफाइनरी लगानी है, ऑटोमोबाइल वाले ने जी एक नया प्लांट लगाना है गाड़ियों बनाने के लिए, तो उसको कहाँ से पैसे जनरेट करें, या तो बैंक के पास जाए, बैंक से उसे जनरली महंगा पैसा मिलता है, या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आए, ठीक है, या वो बॉन्ड्स इश्यू करे। एक जो बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है उसकी फंड रेस करने का, वो कैपिटल मार्केट से है कि वो अपने और अपने शेयर से थ्रू कैपिटल मार्केट जो है वो अपने पैसे को जनरेट करे, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो हमारे देखा गया है, और एक बहुत कलीदी बहुत अहम किरदार अदा करती है PSX इस मामले में। दूसरा, सपोर्ट गवर्नमेंट टू फंड प्रोजेक्ट्स। ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो कि लिस्टेड हैं एक्सचेंज में, तो जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग चाहिए होती है, तो वो पैसा भी है वो उसकी फंडिंग भी थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू एनी स्टॉक एक्सचेंज की जा रही होती है। तो बेसिकली सॉरी मईशत के तीन मेजर होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट आती है, फिर आपकी कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, और फिर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। तो PSX हैज दिस थिंग कि वो तीनों को कैटर करती है, वो बिजनेस को भी पैसे प्रोवाइड करेगी, वो गवर्नमेंट को भी करती है, और इन सारी चीजों के दौरान वो जो छोटे हम जैसे लोग हैं उन्हें ये मौका प्रोवाइड करती है कि जी वैसे तो आप शेल में जो है वो, या जी HBL में, या जी पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड में, या जी OGDC में शेयर नहीं ले सकते, उसके हकदार नहीं बन सकते, बट आप ये छोटा सा हिस्सा इसमें ले सकते हैं। तो व्हेन यू बाय दैट शेयर यू बिकम स्टेक होल्डर्स, यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, वो छोटा हो, वो ज्यादा हो, वो उसमें उसकी जितनी मेकदार हो, दैट रिमेन्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट यू बिकम अ पार्ट, यू बिकम एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर दैट पार्ट ऑफ द शेयर। तो वो जो शेयर आपने होल्ड किया है, आप उसके ओनर होते हो, ठीक है, और आपको ये मौका मिलता है कि आपके पास जो पैसा है उसे आप इन्वेस्ट करो, और उस पर आप एक अच्छा रिटर्न ले सको। अगर आप बैंक्स में पैसा रखते हो, आपको 2-3% रिटर्न मिल रहा होता है, स्टॉक मार्केट में आपके पास जो है वो लेट से 10-12% 15% का भी रिटर्न आपको मिल रहा होता है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम ऑल टुगेदर, बट PSX ये मौका प्रोवाइड करता है हर छोटे बड़े इन्वेस्टर को कि वो आए और उसमें इन्वेस्ट करे और अपनी सेविंग्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके।
So I think this is it from now. I hope मैं चीजें आपको बता पाया हूंगा. ओके. अच्छा, सवाल आना शुरू हो गए हैं बहुत सारे, मैं एक एक करके लूंगा. वी हैव 10 मिनट. सारे सवाल आपके शायद मैं ना दे सकूं, बट कुछ सवाल मैं जो हूं वो जरूर लेने की कोशिश करूंगा. GDP इक्वेशन मैंने उस्मान आपको बता दी थी. हाउ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टिंग कैलकुलेटेड, ये बेसिकली स्टेट बैंक कर रहा होता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो पूरा उसके डेटा की कंपाइलेशन कर रहा होता है कि कितना जो है वो प्राइवेट सेक्टर में किया, कितना वो गवर्नमेंट सेक्टर में गया, कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई. ठीक है, सब डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो कि उस चीज से हो रहा होता है. ठीक है, फ्रॉम 1947 डॉलर अप्रिशिएट्स एंड पाकिस्तान रुपी डेप्रिशिएट, Why our rupees appreciate against dollar and other currencies from 1947? So Danish, basically देखो होता क्या है, होता ये है, मैंने आपको जो developed economy और developing economy वाला difference बताया ना, basically देखें economically generally होता ही यही है, जितनी भी developing economies होंगी वहां पे होगा यही कि आपके पास जो है वो जनरली करेंसी डेप्रिशिएट. पाकिस्तान में नहीं, आप इंडिया में चले जाए, आप इंडोनेशिया में चले जाए, आप वियतनाम चले जाए, हर जगह ऐसा ही हो रहा होता है. एक पॉइंट जब आता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हो जाती है, उस वक्त ये चीज होती है. असल में होता है क्या, होता है ये कि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आपके पास कुछ पैसा जा रहा है. अच्छा, दूसरी इकोनॉमी फॉर एग्जांपल अमेरिका, वो अमेरिका 1947 सब तक कहां से कहां पहुंच गया है. ठीक है, तो उस वजह से वो जो सप्लाई और डिमांड का गैप होता है ना बिटवीन PKR एंड बिटवीन USD, वो आहिस्ता 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 बढ़ता रहता है और आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती रहती है. तो इट्स अ फिनोमेना जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जनरली जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है. What is the difference between depth and width of capital markets? Usman, I think depth से मुराद ये कि आप कितना पैसा generate कर सकते हैं, और width से मुराद ये कि आप किन किन sectors में आ सकते हो, आपके पास कितनी space available है, कौन कौन से sectors, कितनी diversity आपके पास मौजूद है. What in your view were the defaults in monetary policy of Pakistan that has led to excess inflation recent data in recent day? What corrections should have been made or currently made? What in your view were the defaults in? अच्छा, ये किस सवाल है? I think Manail, I think this is a detailed question. इसमें शायद मैं आपको बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर सकूँगा. But the flexible exchange rate है, I think that's a good step जो कि शायद पहले लेना चाहिए था. हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जिस वजह से वो चीजें हुई. और इन्फ्लेशन और ये चीजें इसी तरह चलती हैं. देखें, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा छोड़ भी नहीं सकते, बट दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. उस चीज को चेक रखना, उस चीज को बैलेंस रखना, वो सेंट्रल बैंक का काम है. एंड आई थिंक सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक हैड बीन डूइंग अ गुड जॉब हियर, अच्छा काम कर रहे हैं. एनी बुक सजेशन एट लास्ट, वेदर ग्रेट सेशन, थैंक्स फॉर द टाइम. जैन सिमिलसन की किताब है, फ्री इकोनॉमिक्स है, अगर आपने जो है वो फिक्शन और इस तरह की चीज पढ़नी, फ्री इकोनॉमिक्स के नाम से एक बहुत अच्छी किताब है जो कि आप पढ़ सकते हैं. टैक्स की बात करें, सिमिलसन है, डेविडसन की आई थिंक किताब है. दे आर डिफरेंट बुक्स, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि कौन कौन सी किताब है. कैन वी गेट द PPP, ये आपको PSX वाले बताएंगे कि आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती. बट आई थिंक दिस सेशन इज रिकॉर्डेड एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज YouTube चैनल. सो आई थिंक दिस इज it. Thank you so much for your time. Meri email ID maine di hui thi usme, agar aap ne utha li hai. Mera LinkedIn bhi main aapko de deta hu, LinkedIn ID bhi share kar leta hu. Agar aap mein se koi mujhe add karna chahe to aap wahan pe mujhe add bhi kar sakte hain. Agar koi query ho aapki kisi bhi hawale se, you can just email me and hopefully I will be able to answer your query. कोई सवाल रह गया हो किसी का तो पूछ लें. अच्छा, next, अगर आपने register नहीं कराया, I don't know कि एक ही registration थी कि अलग अलग registration थी, but अगर आपने register नहीं कराया तो अगले हफ्ते हमारा इसी series पे एक और session होगा, वो होगा fiscal policy पे, और उसके बाद एक और सेशन होगा एक्सटर्नल पॉलिसी पे. तो आपको एक बहुत ही ब्रॉड और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की जो है वो हो पाएगी. दिस इज माय लिंक्डइन ID, इस पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं. दिस इज माय पर्सनल ईमेल ID, इस पे भी आप मुझे लिख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्यूरीज, और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. उसके साथ हैव अ गुड वीकेंड.
and see you all in next session next Friday, hopefully. Thank you. Allah Hafiz.